नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद वाटरफॉल में डूबा युवक। सागर जिले के बीना नदी पर स्थित प्राकृतिक वाटरफॉल पर इन दिनों भारी बहाव है। इसको देखने के लिए सागर, विदिशा और रायसेन सहित अन्य जिलों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा की सही इंतजाम नहीं होने के कारण आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। रविवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया है। विदिशा जिले के गंजबासोदा से 5 युवक वाटरफॉल घूमने आए थे, उसी समय वहां एक बच्चा फिसलकर वाटरफॉल की धार में गिर गया। तभी एक युवक राज, पिता मनोहर गुप्ता, बच्चे को बचाने नदी में कूद गया, जिसमें बच्चे को तो बचा लिया लेकिन उक्त युवक तेज बहाव में बहते हुए नदी के नीचे जा गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी सागर से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। अब नदी में युवक की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार नदी में डूबा युवक बीएमसी फाइनल का छात्र है, जो अपने दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने आया था। वाटरफॉल में सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। पूर्व में लगाए गए जाले भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। क्या घटना हुई, कहाँ की है? जी, आज करीबन 3 बजे के आसपास की घटना है। वाटरफॉल पर एक राज गुप्ता, पिता मनोहर गुप्ता, लगभग उसकी उम्र 20 वर्ष की थी, लड़का पानी में डूब गया। घटना इस प्रकार की है कि यह रहने वाला गंज बासोदा का था। ये अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने आया था। ऐसा पता चला है कि वहां किसी बच्चा पानी में गिर गया था। ये अचानक उसको बचाने के लिए दौड़ा, उस बच्चे को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ये बैलेंस नहीं संभाल पाया और पानी में गिर गया। गिरने के कारण वाटरफॉल में अंदर नीचे चला गया। तो हमने एनडीआरएफ की टीम बुलवा ली है और वो तलाश कर रही है। मिलने पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।